हेलो स्टूडेंट्स, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर माइनर टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बेटा माइनर टेस्ट के जो सॉल्यूशन है उसके साथ साथ आपको पूरे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि उस माइनर के साथ उस पूरे चैप्टर के जो ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंच जाए। और बिल्कुल जैसा आपने पेपर डिस्कस किया होगा, देखा भी है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, टोटली नीट ओरिएंटेड। ओके, तो डिस्कस करते हैं माइनर टेस्ट सीरीज। और आपका ये जो यूनिट है वो है आपकी फर्स्ट माइनर टेस्ट, फर्स्ट टोटल आपके 14 माइनर टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट जो माइनर है उसका आज डिस्कस अपन करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन की अप्रोच के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको आपको क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है, ताकि माइनर टेस्ट के साथ आपके पूरे के पूरे क्या हो जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ओके, करें स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द यूकैरियोटिक सेल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपने स्टडी किए होंगे। सेल बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर आपका, यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो क्वेश्चन उसी से डिजाइन किया गया है, तो आपको यहां पर यह सेलेक्ट करना है कि कौन सा यूकैरियोटिक सेल के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखें, पहला ऑप्शन, इट हैज 80S टाइप्स ऑफ राइबोसोम विच प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इनकरेक्ट बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होते हैं, नॉट 80S राइबोसोम। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट है। सेकेंड देखें, इट हैज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम विच प्रेजेंट इन द साइटो प्लाज्म। ओके, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज 80S राइबोसोम फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, फ्री इन साइटोप्लाज्म, मे बी प्रेजेंट ऑन द आरईआर एंड ऑल्सो प्रेजेंट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहां देखो बेटा, ये तीन ऑप्शन जो है करेक्ट है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट, और पूछा भी क्या है, नॉट ट्रू, सो आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एल्गल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है एल्गल सेल वॉल। तो ऑब्वियसली अपन बात करेंगे एल्गल सेल वॉल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन। इनकरेक्ट है बेटा, और डायरेक्ट है बेटा, सीधी अप्रोच है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट लाइक मिनरल्स। सो आंसर विल बी सेकेंड। तो एल्गल सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट लाइक द मिनरल्स। सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन ओनली, इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली सेलुलोज इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो ऑब्वियसली वी नो प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन एटसेट्रा, बट एल्गल सेल वॉल की बात करेगा तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन ऑल ओवर बाई लेयर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने सेल मेम्ब्रेन स्टडी की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें क्या होती है बेटा, लिपिड बाई लेयर, दैट इज द लिपिड बाई लेयर, एंड वी नो लिपिड्स आर क्वासी फ्लूड इन नेचर, दैट इज द लिपिड बाई लेयर। और लिपिड की नेचर क्या होती है, क्वासी फ्लूड होती है। नेचर क्या होगी बेटा, क्वासी फ्लूड, बोले तो उसको बोल सकते हैं अर्ध तरलीय प्रकृति होती है। तो लिपिड की क्वासी फ्लूड नेचर की वजह से इसके अंदर जो बेटा प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द लिपिड बाई लेयर, वो लैटरल मूवमेंट करने में क्या है, कैपेबल है। सो वी कैन से दैट ड्यू टू द क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ द लिपिड्स, प्रोटीन्स कैपेबल टू लैटरल मूवमेंट विद इन द ऑल ओवर बाई लेयर। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ड्यू टू द क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ द लिपिड। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजुअली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
प्लांट और एनिमल सेल में क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन की बात आपको करनी है, उसमें कुछ डिफरेंसेज हैं उनकी बात करनी है। तो इसने पूछा कि कॉमन कौन सा है प्लांट और एनिमल सेल में जो कॉमन है। देखो, सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, बिल्कुल सही है बेटा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट होता है। अगले पे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, बिल्कुल कॉमन नहीं है बेटा, बिकॉज एनिमल सेल लैक द सेल वॉल। न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा बिकॉज क्लोरोप्लास्ट ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, वही आ गया, सेल वॉल ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। सो कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम। सो आंसर विल बी फर्स्ट। मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट अप्रोच वाला है, सीधा सा पूछ लेता है। वी नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अपन बात कर रहे हैं किसकी, लिपिड्स की। तो पीएम में जो लिपिड्स होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना आपको बेटा। फॉस्फोलिपिड में भी कुछ टाइप्स हैं, लाइक लेसिथिन एंड सीफेलिन, दीज आर द टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, दोज आर कॉमनली फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो आंसर विल बी फॉस्फोलिपिड्स। तो अबंडेंट कौन होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, बिल्कुल इजी है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल वॉल टेक्स प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है। एक बार अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा, दैट इज द सेल, और यूकैरियोटिक सेल को कंसिडर कर लेते हैं अपन, क्योंकि इसने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये मेंशन किए हैं। दैट इज द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वी नो राइबोसोम्स फाउंड इन एटीएस, राइबोसोम्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। यहां पर कौन से बेटा, एटीएस राइबोसोम एंड एटीएस राइबोसोम, और वी कैन से राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो बेटा, साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसके अलावा जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी क्या है, 70S राइबोसोम। सो इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो अकर्स। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, देखते हैं, ओनली इन साइटोप्लाज्म नहीं होगा बेटा, इसने बोला ओनली, केवल साइटोप्लाज्म में, तो गलत हो गया। इन न्यूक्लियोलस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, इनकरेक्ट, बिकॉज न्यूक्लियोलस में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा, आंसर विल बी थर्ड। फोर्थ क्या बोल रहा है, ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू न्यूक्लियर एनवेलप, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली लगा दिया, आंसर विल बी थर्ड। ओके, कर लोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन तो हो गया आपका, लेकिन बाकी बातें भी आपको याद रखनी है ताकि उनसे भी कोई अप्रोच आ जाए तो कर पाओ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और आपको पता है नीट में इस तरह के काफी क्वेश्चन आने लगे, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ी अप्रोच पे जाना पड़ेगा, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम, बिल्कुल सही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, तभी तो बेटा बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, ये अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होते हैं। क्यों, कारण क्योंकि इन दोनों में खुद का क्या है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, तो ये अपनी कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड है, इसलिए क्या हो गया बेटा, ये सेमी ऑटोनोमस, नॉट फुली ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, बोथ आर द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, तो दोनों में क्या है, आउटर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच स्मॉलर देन द माइटोकॉन्ड्रिया, इनकरेक्ट हो गया बेटा, क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये करेक्ट होता, क्लोरोप्लास्ट की साइज माइटोकॉन्ड्रिया से लार्ज होती है, और दोनों के डेटा एनसीईआरटी ने दे रखे हैं बेटा, याद रखना पड़ेगा, डायमीटर दोनों का, लेंथ दोनों की आपको याद करनी पड़ेगी, तो क्लोरोप्लास्ट की साइज क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आपको स्टडी करना है माइक्रोस्कोप में, तो उसको स्टेन करवाना पड़ेगा आपको, और स्टेनिंग के लिए कौन सी डाई यूज में लेते हैं, जेनस ग्रीन बी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज स्मॉल है, इसलिए क्लियरली या इजीली उसको स्टडी करना है तो आपको उसको स्टेन करवाना ही पड़ेगा।
क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. अभी कॉन्सेप्ट बताया आ भी गया, बिल्कुल करेक्ट बात है. तो इसमें रोंग जो है, रोंग कौन सा होगा बेटा, जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, रोंग. तो आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड. ओके नेक्स्ट, मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज ऑफ, वी नो मिडिल लैमेला कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. ओके, इसने पूछा क्या है, मेनली कंपोज ऑफ, तो सीधा आंसर पे जाओ ना, कैल्शियम पैक्टेट. सो आंसर विल बी थर्ड. मिडिल लैमेला जानते हो ना बेटा, मिडिल लैमेला आल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट दैट होल्ड द टू नेबरिंग सेल्स. जो पड़ोसी कोशिकाएं होती है उनको आपस में क्या करती है, वो होल्ड करके रखती है, ग्लू का काम करती है, काफी इंपॉर्टेंट है. और जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो मिडिल लैमेला डिजोल्व हो जाती है, जिससे फ्रूट क्या हो जाएगा बेटा, सॉफ्ट हो जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया. कौन सा कॉमन नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया में आपने कंपेरिजन पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, और इससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं. देखो बेटा, सर्कुलर डीएस डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया दोनों में क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए. फोल्डिंग्स इन मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया में भी फोल्डिंग होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है. बैक्टीरिया में बोलते हैं मीजोसोम और यहां पर टर्म यूज करते हैं क्रिस्पी. 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया. पिली बेटा, पिली जो है वो किसमें होगी, बैक्टीरिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पिली नहीं होती. वी नो पिली, पिली इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द कॉन्जुगेशन. पढ़ा है ना बेटा, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में अगर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो उसके पास क्या होगी, पिली. एंड पिली हेल्प इन द कॉन्जुगेशन, बोले तो जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनोदर बैक्टीरियम थ्रू द पिली इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. बड़ा काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट कॉमन बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द बैक्टीरिया, ऑब्वियसली आंसर विल बी फोर्थ, पिली. ओके, सेलेक्ट द ओड वन आउट विद रेस्पेक्ट ऑफ द लाइसोसोम. बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, अभी बात करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन देखें, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी. बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा, यहां क्लियर है ना. लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है बेटा, गोल्जी बॉडी करती है. गोल्जी बॉडी क्या करेगी, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगी, पैकेजिंग होगा, सीक्रेट कर देगी उसको. लाइसोसोमल एंजाइम पूछ ले तो आरईआर पे जाओगे. कंटेन हाइड्रोलेज लाइपेज प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट. क्लियर, प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइपेज प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट. बिल्कुल सही है, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड एंड स्पोरोपोलिनिन. ये बेटा इनकरेक्ट हो गया, स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. और आपको पता है बेटा, स्पोरोपोलिनिन जो होता है उसको तो कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता. अभी तो कोई ऐसा एंजाइम नॉन नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या करे, डाइजेस्ट करे. मालूम है ना, स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होगा, तो ये उसकी जो वॉल्स होती है वहां प्रेजेंट होगा. तो स्पोरोपोलिनिन क्या है, अनडाइजेस्टेड है. इसका डाइजेशन अभी तक कोई भी एंजाइम नहीं कर पाया जो नॉन अभी तक है नहीं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. आर सुसाइडल बैग्स, बिल्कुल करेक्ट है. माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड द, सॉरी लाइसोसोम ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स. कॉलम वाले क्वेश्चन आपको पता है बेटा नीट में भी आते हैं, तो इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. और बड़े सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल मैचिंग होती है और बिल्कुल स्कोरिंग होगा ये क्वेश्चन. ओके, देखते हैं, बात करते हैं. कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दे रखे हैं, तो देखो बेटा यहां पर दिया है सैप वैक्यूल. मैं डायरेक्टली उनको मैच करवाऊंगा. सैप वैक्यूल की बात करते हैं, प्लांट का कैरेक्टर है सैप वैक्यूल. और सैप वैक्यूल में देखो बेटा यहां पर किससे मैच करवाओगे, सैप वैक्यूल. ये रहा बेटा एंथोसाइनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंथोसाइनिन इज ए वॉटर सोल्यूबल पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन द सैप वैक्यूल ऑफ द प्लांट. हो गया मैच. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज द कैरेक्टर ऑफ अमीबा एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन एक्सक्रेशन. ये रहा बेटा, इससे मैच करवा दोगे. फूड वैक्यूल फाउंड इन सम प्रोटिस्टा एंड फूड वैक्यूल हेल्प इन द एंगल्फिंग ऑफ द फूड एंड ऑल्सो डाइजेशन ऑफ द फूड. तो यहां पर मैच करवा दोगे यहां. गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स इन द फोटोजेनिक बैक्टीरिया, जो क्या करेगी बेटा बायोन्सी प्रोवाइड करवाएगी.
क्या प्रोवाइड करवाएगी? बायोन्सी गैस वैक्यूल। ये रहा बेटा बायोन्सी से आप इसको मैच कर दो, तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग आप ऑप्शन पे जा सकते हो। कर लोगे आंसर? ये रहा देखो बेटा सेप वैक्यूल, सेप वैक्यूल का आप सेकंड से मैच करोगे तो देखो ए, ए में सेकंड हो जाएगा। फिर बी की बात करेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अभी मैंने बताया थर्ड हो जाएगा। सी की बात करेंगे फूड वैक्यूल, कौन हो जाएगा बेटा? फोर हो जाएगा। और डी की बात करेंगे फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। कर लोगे, खुद ही मैच कर लोगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, सेलेक्ट रॉन्ग मैचिंग, मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। चार ऑप्शन है, मैचिंग बता रखी है आपको, रॉन्ग मैचिंग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, देखें एसईआर, एसईआर कंसर्न्ड विद द लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसईआर के फंक्शंस आपको याद होंगे बेटा, एसईआर इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, साइट ऑफ कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस इन एनिमल सेल, स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये करेक्ट मैचिंग है, आपको रॉन्ग को सेलेक्ट करना है। सेल वॉल आउटर नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये सेल वॉल का फंक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बिल्कुल सही है बेटा, सेंट्रियोल किसका करेक्टर है? सेंट्रियोल सेंट्रोसोम फाउंड इन द एनिमल सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल। फोर्थ की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट, बेटा यही गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया लाइट को ट्रैप नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट्स नहीं होते, लाइट को ट्रैप करने में कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्टली क्या है, मैच है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा। ओके, आंसर विल बी फोर्थ। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इज, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मैं सेल की बात करूं तो यहां कौन है बेटा? ये साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, डायरेक्टली याद रखना है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आंसर विल बी साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बेटा ये क्वेश्चन आते हैं जो नीट में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन काफी बार पूछे भी गए हैं। अगर बैक्टीरिया की बात करें, ऑब्वियसली बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोप, कीमो ऑटोट्रोप एंड फोटो ऑटोट्रोप्स कंसिस्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दोज आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन है बेटा? क्रोमेटोफोर्स है। ये रहा देखो आंसर आपका सीधा चला जाएगा, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर स्टोर द पिगमेंट्स, उनमें प्रकाश संश्लेषणीय वर्णक पाए जाते हैं जो लाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। कर लोगे? मीजोसोम, मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, पिल्ली जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, बता चुका हूं, और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं बार बार, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना आपको, इसका कोई रिलेवेंसी है नहीं वर्ड। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 150, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पूरा कॉन्सेप्ट समझे बेटा, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। देखो ये है बेटा आरईआर और यहां ये एसईआर, एंड वी नो आरईआर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन बनाएगा, एसईआर लिपिड का फॉर्मेशन, और एसईआर आरईआर लिपिड प्रोटीन बना के क्या करेंगे बेटा? सीक्रेट करेंगे और किसको प्रोवाइड करवाएंगे? गोल्जी बॉडी को। तो जैसे ये गोल्जी बॉडी के पास जाएंगे, ये रही गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करेगी बेटा? पैकेजिंग एंड सीक्रेशन, एंड गोल्जी बॉडी ऑल्सो परफॉर्म द ग्लाइकोसाइलेशन, अटैचमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ओवर द प्रोटीन एंड लिपिड, उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगी? अटैच करेगी। तो ये प्रोटीन को तो कन्वर्ट कर देगी किसमें? ग्लाइको प्रोटीन में, और आपका जो लिपिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइको लिपिड। तो आप बताएं बेटा ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड का सिंथेसिस किसने किया? गोल्जी बॉडी ने। अगर पूछे प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर, लिपिड सिंथेसिस एसईआर, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, तो ये आंसर करोगे आप गोल्जी बॉडी। ओके,
Next, when a lysosome fuses with a phagosome for food, it results in the formation of. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कोई सेल आपकी, ये बाहर कोई फूड पार्टिकल है, उसका पहले होगा फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, तो इसको स्ट्रक्चर को अपन नाम देंगे फेगोसोम, फेगोसोम। और जैसे ही फेगोसोम का फॉर्मेशन होता है तो लाइसोसोम क्या करेगा बेटा, ये कौन है लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। और जैसे फ्यूजन होगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम और हेटेरो फेगोसोम, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेटरोफेगोसोम। यही तो पूछा है इसने, लाइसोसोम फ्यूज विद द फेगोसोम एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम और ऑल्सो कॉल्ड हेटरोफेगोसोम। तो ऑप्शन में आपका सेकेंडरी लाइसोसोम तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, आप जानते हो जो गोल्जी बॉडी है उसको डिस्कवर किया था केमिलो गोल्जी ने। ओके, गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय द केमिलो गोल्जी। और उसने देखा जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, नियर द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस कुछ रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स फाउंड नियर द न्यूक्लियस कंसेंट्रिकली। तो ये अरेंजमेंट कैसे है बेटा, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस। और ये कौन है, गोल्जी बॉडी। तो आपको याद रखना है फंडा, कौन से सेल ऑर्गेनेल का अरेंजमेंट जो है कंसेंट्रिक होता है, तो आंसर क्या जाएगा, गोल्जी बॉडी। यही इसने पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। कुछ पेयर दे रखे जो मिसमैच है, जो इनकरेक्ट पेयर है, उसको सेलेक्ट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है, करेक्ट पेयर हो गया। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, बात कर चुके हैं अपन, करेक्ट पेयरिंग है। गोल्जी बॉडी फोटोसिंथेसिस, इनकरेक्ट पेयर। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा आंसर विल बी थर्ड, क्योंकि गोल्जी बॉडी का फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं है बेटा, गोल्जी बॉडी हेल्प इन द पैकेजिंग एंड सिक्रेशन। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, हो गया ये, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लूड मोजेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, जो इसका वाइडली एक्सेप्टेड क्या है मॉडल है, दैट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो क्या क्या बातें कर रहा है ये, इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। विनो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड फाउंड इन लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। या तो पेरिफेरल प्रोटीन होगी या इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन मे बी पार्शियली और टोटली बरीड इन टू द लिपिड बाइलेयर। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाई लेयर, अभी तो बात की थी थोड़ी देर पहले, कौन सा पाया था, करेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड एसिमेट्रिक इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नेचर में क्या है, एसिमेट्रिक है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिक होता है, याद रखना बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकरेक्ट हो गया बेटा। मेजर कंपोनेंट कौन है, मेन कंपोनेंट प्रोटीन एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, लेस देन 1%, बट आरबीसी जो उसमें 8% होते हैं वो एक्सेप्शन है। तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट क्या होगा, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसने बोला मेजर कंपोनेंट, तो इनकरेक्ट हो गया, सो आंसर विल बी 4। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनको आपको कंसिडर करना है, फिर बाद में देखते हैं कितने गलत हैं कितने सही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। जो यंग प्लांट सेल है उसमें जो प्राइमरी सेल है वॉल होती है उसमें ग्रोथ कैपेसिटी होती है, कैपेबल टू ग्रो, तभी तो सेल का एरिया इंक्रीज होगा, तभी तो सेल जो है वो अपनी साइज को इंक्रीज कर पाती है। सेकेंडरी सेल वॉल लाइज आउटसाइड
द प्राइमरी सेल वॉल, बेटा इनकरेक्ट हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी, लाइज इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल नॉट आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट। मिडिल लेमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, अभी बताया था, बिल्कुल करेक्ट है। सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड, बिल्कुल सही है, प्लांट सेल वॉल हो या एनिमल सॉरी फंगल सेल वॉल हो या फिर आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल हो या एल्गल सेल वॉल हो, उसमें पॉलीसेक्राइड होते ही है। हाँ, टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड डिफरेंट होंगे बट पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन द सेल वॉल। ओके, स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट आपको बताने हैं, ये मैंने मेंशन कर दिया। थ्री स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉल, वी नो बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन, समझना बेटा कॉन्सेप्ट को, पेप्टिडो ग्लाइकेन। तो बेटा पेप्टिडो ग्लाइकेन जो है एक टर्म हो गई, एक्चुअल में होता क्या है पेप्टिडो ग्लाइकेन, इसमें देखो बेटा दो पार्ट है, पेप्टाइड एंड ग्लाइकेन। ग्लाइकेन का मतलब होता है बेटा पॉलीसेकेराइड, क्या है ये पॉलीसेकेराइड, एंड पेप्टाइड, पेप्टाइड होती है टेट्रा पेप्टाइड, इसमें क्या होते हैं अमीनो एसिड्स। ओके, सो वी कैन से दैट बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड द अमीनो एसिड्स, आपके एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड, जिनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं अपन पेप्टिडो ग्लाइकेन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा आपको, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड ही हो जाएगा। देखो पॉलीसेकेराइड ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होती इसमें, प्रोटीन एंड लिपिड इनकरेक्ट हो गया, प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इनकरेक्ट हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शंस, काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में, और मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल नीट ओरिएंटेड आपको चलना है, क्वेश्चंस भी नीट ओरिएंटेड करने हैं, जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं बेटा सारे के सारे जो नीट में अक्सर आते रहते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट पेयर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है ईआर फोटो रेस्पिरेशन, बेटा इनकरेक्ट हो गया, फोटो रेस्पिरेशन से ईआर का कोई लेना देना नहीं है, ईआर तो क्या करती है बेटा प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, आरईआर एसईआर, फोटो रेस्पिरेशन जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है परोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तीनों जो है फोटो रेस्पिरेशन की साइट है, जो फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, बिल्कुल सही है, लाइसोसोमेटिक फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट रेस्पिरेशन इनकरेक्ट हो गया, तो ये देखो फंक्शन जो है मिसमैच कर रखे हैं, यहां पर केवल कौन सा सेकंड वाला करेक्ट है, जहां पर सेल ऑर्गेनेल और उसके जो फंक्शंस को करेक्टली मेंशन किया है, बिल्कुल सिंपल बात है, फंक्शन और स्ट्रक्चर याद नहीं आपको इस चैप्टर में, और अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प करता है, देखो ये बातें अपन कर भी चुके हैं, यहां आंसर क्या होगा आपका कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प करेगा बेटा पीली, देखो यहां पर काफी क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं, अगर वो बात करें लोकोमोशन की तो आंसर होगा फ्लेजिला, अटैचमेंट फिम्ब्री, एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन मिजोसोम, लेकिन यहां क्या पूछा आपसे कॉन्जुगेशन, तो आंसर विल बी सेकेंड। ओके, कर लोगे, और ये क्वेश्चन नीट में काफी बार आ चुके हैं, इनके अलग अलग फंक्शन जो है पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बैक्टीरियल प्लाज्मिड को अगर मैं डिफाइन करूं तो बड़ा सिंपल है, देखो ये बैक्टीरिया, इसका है मेन जीनोम, मेन जीनो 4, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, बट मैनी बैक्टीरिया कंसिस्ट एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लीकेटिव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को डिफाइन कैसे करोगे बेटा, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लीकेटिव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो यहां ऑप्शन में जाओ बेटा आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लीकेटिव सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ओके, नेक्स्ट, विच इज लार्जर सेल ऑर्गेनेल, अब चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन में आपको जो लार्जर है उसको सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली यहां पर इनमें आंसर क्या होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियस है, और परोक्सिसोम ग्लाइकोसोम बेटा होती है माइक्रोबॉडीज, दीज आर द स्मॉल वेसिकल,
those consist various types of enzyme. Mitochondria और chloroplast दोनों larger है, लेकिन इन दोनों में largest कौन होगा आपका? Chloroplast. Okay, answer will be first. Oxysome are found in, अच्छा एक question है बेटा, important है. Oxysome also called ATP synthase, also called FO, F1 particle, and is also called ATPase. And we know ATP synthase is the part of electron transport system. तो यहां देखो बेटा, option के according जाएंगे. Lysosome में नहीं होता ATP synthase, matrix of mitochondria में नहीं होगा, outwall of mitochondria नहीं होगा, cristae of mitochondria, or we can say that inner mitochondrial membrane. तो यहां क्या होगा आपका? ATP synthase. तो आंसर क्या हो जाएगा? Fourth. Which of the following is not true with the reference to prokaryotic cell? अब prokaryotic cell के जो characters हैं, उसके according आपको आंसर देना है यहां पर. इसमें not true, जो incorrect है, उसको सेलेक्ट करना है. प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर. बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है. रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज गिवन बाय प्लाज्मिड. बिल्कुल करेक्ट है. मिजोसोम इज द स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल. बेटा इनकरेक्ट हो गया. मिजोसोम ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट नॉट फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स. ये सब में नहीं होगा बेटा, जैसे माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है. प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. बिल्कुल करेक्ट है. तो यहां पर कौन सा ट्रू नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड. आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर्स. बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम दे रखे हैं, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है. मैं बता देता हूं, आप अपने आप आंसर करोगे. ये बेटा क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स. ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आरबीसी को. दैट इज द नर्व सेल. और ये स्ट्रक्चर जो यहां पर दे रखी है, दैट इज ट्रेकिड्स. कौन है ये? ट्रेकिड है. इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मैच कर सकते हो. चूज द रॉन्ग मैच. कुछ मैचिंग दे रखी है, उसमें जो रॉन्ग मैचिंग है उसको आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है. बड़ा सिंपल है. देखो बेटा, कोकस स्फेरिकल. बिल्कुल करेक्ट है. कोकस जो होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, इस तरह से. विब्रियो कोमा शेप. बिल्कुल करेक्ट है. इनकी शेप कैसी होती है? कोमा शेप. स्पाइरलम रोड शेप. इन करेक्ट हो गया. बेसिलस रोड शेप. ये करेक्ट है. ये रोड शेप इस तरह से होते हैं. जो स्पाइरलम होता है बेटा, वो होता है स्पाइरल. इस तरह से होगा. तो यहां पर जो थर्ड मैचिंग है वो क्या है? रॉन्ग है. तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. बैक्टीरियल सेल हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंडेड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर. पहली स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही है. बैक्टीरियल सेल एनवेलप में बेटा तीन लेयर होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. अब आपको क्या करना है? इनको आइडेंटिफाई करना. आउटर मोस्ट इज, ये रहा आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज द ए बी सी रेस्पेक्टिवली? बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा. तो यहां पर ए कौन होगा? ग्लाइकोकैलिक्स. बी सेल वॉल. एंड सी क्या है? सेल मेम्ब्रेन. आंसर विल बी सेकंड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? यहां पर चूज करना है सही कौन सा है. माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डबल सर्कुलर डीएनए बट क्लोरोप्लास्ट लैक इट. इनकरेक्ट हो गया बेटा. जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट कंटेन सर्कुलर डीएनए बट माइटोकॉन्ड्रिया लैक इट. इनकरेक्ट हो गया. Neither mitochondria nor chloroplast contain DNA. Incorrect हो गया. Both mitochondria and chloroplast contain circular DNA. Correct हो गया. तो आपका आंसर भी क्या होगा? Fourth होगा. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. मैच करना है बेटा आपको. यहाँ मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया. मैचिंग वाले वैसे भी सिंपल होते हैं, ठीक है. तो मैं डायरेक्ट यहाँ मैचिंग करूंगा, फिर आप अपने आप आंसर पे जाओगे. देखो SER को बेटा किससे मैच करोगे? SER इंपॉर्टेंट है. ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ SER. गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को किससे कनेक्ट करोगे बेटा? ये रहा ग्लाइकोसाइलेशन, मींस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन. लाइसोसोम डाइजेशन एंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस. कर लोगे? बिल्कुल मैचिंग मैंने कर दी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पे जाना है.
implant the tonoplast, facilitate the transport a number of ions and other minerals. बिल्कुल सिंपल है बेटा. प्लांट सेल की बात करें उसमें ये क्या है बेटा, वैक्यूल है जिसमें क्या होता है सेल सैप और उसके अंदर मिनरल और आयन जो है वो स्टोर किए जाते हैं. बाहर कौन है, साइटोप्लाज्म. ऑब्वियसली मिनरल आयन जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे. तो यहां पर क्या होते हैं, पंप होते हैं. ऑब्वियसली क्या आंसर दोगे आप, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन टू द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर. तो आंसर क्या हो जाएगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन टू वैक्यूल. अब स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट्स को रीड करना अच्छे से आपको केयरफुली, और फिर बताना है कि इनमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं. तो अपन स्टेटमेंट के साथ ही सारी चीजें मेंशन कर देंगे. ER डिवाइड द इंट्रा सेलुलर स्पेस इन टू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा ये. ER जो है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये न्यूक्लियस, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है ER. तो ER के अंदर का जो एरिया है वो है ल्यूमिनल और बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म है. तो ER ने क्या किया, जो आपका इंट्रा सेलुलर जो स्पेस है उसको दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. एक तो हो गया ल्यूमिनल इन साइड द ER, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोले तो साइटोप्लाज्म. तो स्टेटमेंट करेक्ट. RER इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, अभी तो बना के दिखाया है, करेक्ट. फिक्स्ड नंबर ऑफ सिस्टर्न आर प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, इनकरेक्ट हो गया बेटा. गोल्जी बॉडी में सिस्टर्न होती है बट वेरीड नंबर होता है, फिक्स नहीं होगा, वेरीड होगा. द सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडी आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड इन एनिमल सेल्स, सही है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड इन एनिमल सेल. तो अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया. द गोल्जी कॉम्प्लेक्स रेयरली रिमेन इन एसोसिएशन विद ER. गोल्जी सम्मिश्र ER के साथ बहुत कम संबंधित होते हैं. बेटा गलत हो गया ना, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो ER के साथ एसोसिएटेड है, उसके पास ही मिलेगा क्योंकि उसको मटेरियल कहां से रिसीव करने हैं, फ्रॉम द ER. तो ये यूजुअली क्या होगा, एसोसिएटेड होता है, लेकिन इसने बोला है रेयरली. तो यहां पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट हो जाएगा. कर लोगे, अब बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर क्या होगा. ये रहा दो है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. ओके, मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया बेटा. मेम्ब्रेन किस में अब्सेंट है, देखो बेटा लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, बट राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, राइबोसोम. इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज, अभी बताया था बेटा कौन होगा ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. तो आंसर विल बी थर्ड, दैट इज प्लाज्मिड. एटीपी सिंथेज एंजाइम दैट हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन प्रेजेंट इन, वापस रिपीट हो रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट अच्छा है ये. एटीपी सिंथेसिस कहां प्रेजेंट होता है बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जस्ट अभी आया था क्रिस्टी बोल दो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो आंसर विल बी फर्स्ट. एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम ऑफ लाइसोसोम एक्टिवेट्स एट, देखो बेटा लाइसोसोम की अगर अपन बात करें, ये रहा लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, दीज आर द एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लिएज एटसेट्रा, एंड दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस. ओके, और यहां पर देखो नाम ही एसिड हाइड्रोलेज है, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं और यहां पीएच होती है बेटा, याद रखना है ये पीएच 4 to 5. सो एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम ऑफ लाइसोम एक्टिवेट एट एसिडिक पीएच. तो आंसर विल बी फर्स्ट, एसिडिक पीएच. प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी इज, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी कौन होती है बेटा, राइबोसोम, राइबोसोम ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन
factory. And we know ribosome consists of two subunits, large subunit and small subunit, and also rRNA. And types of ribosome, sab malum hai to aapko pata hona chahiye, 70S ribosome and 80S ribosome. 70S ribosome found in prokaryotes and also in mitochondria and the plastid. But 80S ribosome only found in the eukaryotes, in the cytoplasm. Answer will be fourth, ribosome. Study of the name of different cell organelle given below. Ye kuch cell organelle ke naam de rakhe hain, wo aapke samne hain. Lysosome, mitochondria, Golgi body, ER, ribosome, peroxisome. How many of you are bound by single membrane? In my single membranous kaun se hai beta? Direct mein mark kar raha hu. Lysosome single membranous, Golgi single membranous, ER single membranous, peroxisome single membranous. To in mein se char jo hai wo kya hai? Single membranous. To answer kya ho jayega aapka? Third. Kar loge? Ribosome is membraneless cell organelle. Mitochondria double membranous hai. To isne pucha kya hai? एकल झिल्लीबद्ध कितने हैं? तो यहां पर चार जो है वो क्या है? एकल झिल्लीबद्ध. ये स्टेटमेंट दे रखे हैं. देखो बेटा, यहां दो स्टेटमेंट आए, ए एंड बी. पहले तो आपको इनको केयरफुली रीड करना पड़ेगा. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. बिल्कुल करेक्ट है बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ कंसिस्ट देयर ओन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम. सो देन दे कैन सिंथेसाइज देयर सम ऑन प्रोटीन्स, बट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस फॉर अदर्स. कुछ तो ये खुद बना लेंगे और बाकी प्रोटीन के लिए किस पर निर्भर करेंगे? न्यूक्लियस पे. तभी तो इनको क्या बोला, ये क्या है? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स. कौन से होंगे बेटा ये? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. तो स्टेटमेंट जो पहला दे रखा है वो बिल्कुल क्या है बेटा? सही है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट लैक देयर ओन रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मशीनरी. इनकरेक्ट हो गया बेटा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए है, राइबोसोम है, तो इसके पास ट्रांसलेशन मशीनरी है. इसमें रेप्लिकेशन भी होता है डीएनए का, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है. तो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट. आंसर विल बी थर्ड. अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, वेरी सिंपल, पीएम कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बो हाइड्रेट. कर लोगे? प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. यूजुअली प्रोटीन होता है बेटा 60%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स लेस देन 1%. ये नॉर्मली होता है, बट आपको पता है इनका जो रेशियो है वो वेरी भी करता है. जैसे आरबीसी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आरबीसी वाला स्टेटमेंट. आरबीसी में प्रोटीन होता है 52%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 8%. यहाँ पर एक्सेप्शनली कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा है. तो क्वेश्चन पे आए, मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ओनली, नहीं हो सकता ओनली लगा दिया. प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ओनली नहीं होगा, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ओनली, प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. आंसर विल बी फोर्थ. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल लेमिला. अच्छा पॉइंट है, मिडिल लेमिला आपने स्टडी किया होगा. मिडिल लेमिला कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट. मिडिल लेमिला होल्ड द नेबरिंग प्लांट सेल्स एंड मिडिल लेमिला डिजोल्व ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग. ये बातें आई होंगी कभी, इट होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टूगेदर. बिल्कुल सही है. इट कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, करेक्ट है. इट गेट डिजोल्व ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, करेक्ट है. मेनली कंपोज ऑफ सेलोज एंड हेमसेलोज, इनकरेक्ट हो गया. इट इज मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, पैक्टेट की बनी होती है. तो यहां पर इनकरेक्ट कौन सा हो गया बेटा जी? फोर्थ हो गया. विच ऑर्गेनल इज मेनली रिलेटेड टू द सिक्रेटरी एक्टिविटीज? वेरी वेरी सिंपल, जो गोल्जी बॉडी होती है वो सिक्रेटरी एक्टिविटीज में मेनली रोल प्ले करती है. देख लो ना बेटा, ये सेल है न्यूक्लियस, ईआर, और ये गोल्जी बॉडी. तो कोई भी मटेरियल को सिक्रेट करना है सेल में, आउटसाइड द सेल, तो उसमें हेल्प कौन करेगी? गोल्जी बॉडी. बिकॉज गोल्जी बॉडी हेल्प इन द पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ द मटेरियल्स, इंट्रासेलुलर सिक्रेशन एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन. तो मेन एक्टिविटी किसकी है सिक्रेशन की? दैट इज गोल्जी बॉडी. तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? फोर्थ. ओके, तो ये देखो अपन ने पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, साथ में बाकी का सारे भी कॉन्सेप्ट आपको बताए. और मैंने आपको बताया था कि आपका टारगेट क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना, और साथ में एनसीईआरटी के साथ उनकी जो अप्रोच है उनको भी एक बार डिस्कस करना, ताकि एक बार आप पूरा जो है इस चैप्टर से गो थ्रू हो जाओ. पेपर हो गया, एक बार वापस से सेल को रिवाइज करो, ताकि
आगे फ्यूचर के लिए जो है एकदम पैक हो जाए वो, फिर उसके बाद जब दोबारा से कोई टेस्ट वगैरह आए तो उसको रिवाइज करो आप। ओके बेटा, कर लोगे? सारे कॉन्सेप्ट अपन ने लगभग ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के। ओके, ऑल द बेस्ट।